मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं इनसे बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, आइए पूरा इंडिया आपको देखना चाहती है। आपने रैंक ऑल इंडिया रैंक 20, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज अपना थोड़ा सा वैल्यूबल जो अपना गाइडेंस है उन्हें दीजिए, क्योंकि ये भी आगे रैंक होल्डर बनना चाहते हैं। इनको जॉब भी लग गया है, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगा है, अभी फ्यूचर लोकेशन दे दिया क्या? अच्छा, मुंबई में अभी इनकी ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद इनको मुंबई कब जा रहे हैं आप? अभी महीने भर में मुंबई ये जाएंगे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारे स्टूडेंट इतना नाम कर रहे हैं, बहुत खुशी मिलती है। एंड आप स्टेज में भी आए हुए हैं हमारे क्लास में, चलिए तो प्लीज। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, माय नेम इज रिदम मित्तल एंड मैं दिल्ली से ही हूँ। एंड सर की क्लास मैंने पिछले साल ली थी, SFM वाज माय सेकंड लास्ट क्लास दैट आई हैव टेकन। तो सर ने मुझसे जब उन्होंने पूछा कि नवंबर अटेम किसका है, तो ओनली आई वाज द वन टू रेज माय हैंड एंड ही वाज लाइक सीरियसली तुम अब ले रही हो, पहले ना थी। तो मैंने कहा पहले मुझे टाइम नहीं मिला एंड आई वाज प्लानिंग फॉर रेस्ट ऑफ माय क्लासेस। नहीं, मैं CST कर रही हूं, आई हैव क्वालिफाइड CS एज वेल। आई वाज टेलिंग फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट चैप्टर पेपर हमारे क्लास में। CS कौन कौन कर रहे हैं हमारी क्लास में? आप कर रहे हैं CS रैंक होल्डर 2, सेकंड रैंक इन CS। ओके, देन मस्ट हैव मैच्ड द सिलेबस ऑफ फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। वी विल बी डूइंग फाइनल नाउ इन CS। अच्छा, आप फाइनल, अच्छा ओके ओके, तो अभी आएगा आपके में, तो आप देखोगे कि सब कुछ सेम है, पोर्टफोलियो सिक्योरिटी एवरीथिंग इज द सेम। वही है, यू नीड टू प्रैक्टिस, दैट्स इट। और रैंक का सोचा था आपने? सर रैंक का सोचा नहीं था, बट मेरा टारगेट ये था कि जब तक मुझे हर चीज में 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, मैं उसका प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगी। तो यू नो इवेंचुअली आई डिडंट नो, बट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द रैंक। तो अभी से बच्चे ये सोचते हैं नवंबर 18 में दो ग्रुप दे सकूंगी कि नहीं दे सकूंगी, मई 19 में मैं दे सकूंगी कि नहीं दे सकूंगा, तो आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए इनको। अभी तो इतना टाइम पड़ा है, अभी सोच रहे हो नवंबर 18 दोनों ग्रुप दे रहे हैं आप, और बहुत कंफ्यूजन सा रहता है कि दोनों ग्रुप दे कि नहीं दे। बोथ ग्रुप्स देने चाहिए, बिकॉज क्या होता है, एक हमें प्रेशर हैंडल करना आ जाता है। थोड़ा सा उसको प्लान अप करो अभी से ही, लाइक इट्स अप्रैल, सो यू नीड टू प्लान। अगर तुम प्लान करोगे ना, तो देखना तुम्हारे पास प्रैक्टिस और रिविजन के लिए भी बतेरा टाइम बच जाएगा सच में। तो टाइम टेबल बनाओ एंड डोंट, जैसे मेरा जो वो रहता था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेनी ऑफ देम रादर यूज्ड टू से कि एक बार में ना दो सब्जेक्ट्स कर, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, बट मेरा अलग होता था, अगर मैं एक में हम इन डेप्थ घुस जाते हैं ना, फिर उससे निकल के दूसरे में घुसना इज वेरी डिफिकल्ट। One subject at a time and do it there and then, complete it. मेरा target होता था DT 3 days revision का, कि मतलब इतना कर लेना है कि वो 3 days में complete हो जाए। SFM में revision हो गया था अच्छे से? सर SFM तो मैं 1.5-2 बार कर गई थी paper वाले time। Stock market, demat account खुलाया आपने? हाँ, SAS में खुलाया था। हो गया, trading ownership है आपके पास? सर हाँ, अभी account I have, but I'm not an active trader at the moment, like past. किस कंपनी के मालिक हैं आप? सर मैं मवाना शुगर्स की और अदानी मैंने बेच दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन एवरेज में बहुत अच्छा निकल गया। सर मेरे सारे